नाउ अब हम शुरू करने वाले स्टोक्स लॉ पर। इसके पहले जो हुआ था पिछले वीडियो में उसके जस्ट यूनिट और डायमेंशन बता रहा क्योंकि काम आएंगे। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, देखो फॉर्मूला बताओ और यूनिट और डायमेंशन बताओ। ठीक है फॉर्मूला लिख ले, ईटा इज इक्वल्स टू एफ विस्कस फोर्स अपॉन ए बी वी अपॉन डी टी एंड वेलोसिटी ग्रेडिएंट। यूनिट लिखा था हम लोगों ने न्यूटन सेकेंड स्मॉल एस है मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर, ये ऐसा यूनिट सीजीएस यूनिट था। डाइन सेकेंड स्मॉल एस सेकेंड गैप देना या डैश देना अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर पॉइस, और कन्वर्शन भी बताया था वन न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज 10 पॉइस या 10 डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारा ऐसा यूनिट और ये है हमारे सीजीएस यूनिट। सो दिस इज एसआई यूनिट और ये है सीजीएस यूनिट। और डायमेंशंस बता देता अभी काम आएंगे, ईटा के डायमेंशंस एम वन एल माइनस वन पी माइनस वन, तो ये थे डायमेंशन ये यूनिट। और याद रखो ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो ईटा है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है हमने दो मटेरियल कंपेयर किए थे, एक हनी और दूसरा हम लोगों ने लिया था वाटर। तो हमने बोला था हनी इज मोर विस्कस एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है तो ये भी अभी याद रखना, ये भी हमारे काम आएगा। हनी इज मोर विस्कस एज कंपेयर टू वाटर, यानी जब हनी मूव होगा तो उनके लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन है वो ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू वाटर। नॉन विस्कस लिक्विड किसको कंसीडर कर सकते हैं जिसमें फ्रिक्शन नहीं है, एग्जाम्पल बताया था हीलियम एट 2 केल्विन, तो वो भी याद रखना। अच्छा इमेजिन करो स्विमिंग पूल में, पहले तो हमने पूरा वाटर भर दिया, ये हमारा स्विमिंग पूल, पहले हमने उसमें पूरा वाटर भर दिया, ये अभी काम आएगा हमारे, ये वाटर भर दिया। ठीक है और उसमें आपको चलने के लिए बोला है आगे। ठीक है दूसरी केस में ये हटाएगा फॉर्मूला हटाएगा यूनिट डायमेंशन याद। दूसरी केस में हमने क्या किया है, कंटेनर लिया है सॉरी वही स्विमिंग पूल है उसमें हम लोगों ने वाटर की जगह डाल दिया हनी। ठीक है तो यहां है हनी और यहां है वाटर। अब मैं बोलूं कि आप लोगों को इसमें चलना है तो बताओ किसमें चलना मुश्किल होगा। डेफिनेटली हनी में चलना मुश्किल होगा, वो ठीक है थोड़ा सा स्टिकी है और फ्रिक्शन भी ज्यादा है। ठीक है जब हम बोल रहे हैं कि जब वो फ्लो होगा तो उनके लेयर के बीच में फ्रिक्शन है, वाटर की लेयर के बीच में जितना फ्रिक्शन है उससे ज्यादा, तो हम भी जब उस वाटर में या उस हनी में मूव करेंगे तो हनी ज्यादा अपोजिशन क्रिएट करेगा हमारे लिए एज कंपेयर टू वाटर, वाटर भी अपोजिशन क्रिएट करेगा। आप जैसे नॉर्मल, जैसे समझो आप में जमीन पे नॉर्मल चल रहे हैं, आप इतनी स्पीड से वाटर में नहीं चल पाएंगे क्योंकि आपको अभी तो आप एयर के अगेंस्ट चल रहे हैं, आप एयर का जो फ्रिक्शन है उसको ओवरकम कर रहे हैं। अभी मैं चल रहा हूं तो मैं एयर में हूं समझो, तो मैं एयर को कट करके चल रहा हूं, बट जब मैं स्विमिंग पूल में चलूंगा जिसमें वाटर है तो अब मैं वाटर को कट करके चलने की कोशिश करूंगा, तो डेफिनेटली एयर से ज्यादा डेंस है तो डेफिनेटली फ्रिक्शन ज्यादा होगा। वाटर की जगह स्विमिंग पूल में हनी डाल दो तो आपको उसके चलने में और थोड़ी दिक्कत जाएगी, प्रॉब्लम जाएगी क्योंकि फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा तो आपके मोशन को अपोजिशन मिलेगा, अपोजिशन मिलेगा तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। एयर में चल रहे स्पीड ज्यादा है, वाटर में चलने की कोशिश करेंगे एयर से चल रहे उससे स्पीड कम रहेंगी, और अगर हनी में चलेंगे तो वाटर से भी और कम हो जाएगी स्पीड, तो ये ध्यान रखना।
अभी ये कॉन्सेप्ट हमारे काम आएंगे। तो अगर आप हनी में मूव कर रहे हैं तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, हनी में फ्रिक्शन ज्यादा है या हम बोल सकते हैं उसका विस्कस फोर्स ज्यादा है, वाटर का विस्कस फोर्स कम है तो हमारे बॉडी में फ्रिक्शन भी कम रहेगा। हम उसमें मूव कर रहे हैं तो हमारी बॉडी और वाटर का या हमारी बॉडी और हनी का क्या होगा, साथ में कॉन्टैक्ट यानी फ्रिक्शन होगा। तो फ्रिक्शन हनी का ज्यादा रहेगा तो हमको स्पीड अंदर मूव करने में दिक्कत ज्यादा जाएगी, प्रॉब्लम ज्यादा जाएगी, जबकि वाटर में उससे कम जाएगी। और अगर हम खाली पूल में चलने की कोशिश करें तो हमारी स्पीड रहेगी मैक्सिमम, तो यहाँ हमारी स्पीड सबसे ज्यादा रहेगी। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक चलने की कोशिश करूँ, समझो यहाँ लग रहा है 10 सेकेंड, अभी यहाँ क्या है एयर, अगर मैं पानी में यहाँ से यहाँ तक चलने की कोशिश करूँ तो मेरे को थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, सपोज 12 सेकेंड्स। क्यों? पहले तो एयर में चल रहे थे, फ्रिक्शन कम था, जल्दी पहुंच गए 10 सेकेंड में पहुंचे, अब यहाँ फ्रिक्शन ज्यादा है, टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, अब यहाँ चलने की कोशिश करेंगे टाइम और ज्यादा लगेगा क्योंकि फ्रिक्शन बढ़ गया है। फ्रिक्शन बढ़ गया तो हमारी वेलोसिटी कम होगी, हमको उस फ्रिक्शन के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। तो ये देखो एक बार ये याद रखना, ठीक है। और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के यूनिट और डायमेंशन देख लो, फॉर्मूला देख लो, फिर हम चलते स्टोक्स लॉ। तो इसको मिटा था, ये देख लो एक बार, पहले एक बार देख लेना कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब इस एग्जांपल को ऐसे समझो कि मान लो तीन आइडेंटिकल लोग हैं, ए बी सी, वो इक्वल स्पीड से दौड़ सकते हैं। ए को हम इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक दौड़ने लगाएंगे जहां खाली है स्विमिंग पूल, खाली है स्विमिंग पूल मतलब एयर है, तीनों की स्पीड सेम है, तीनों एक ही स्पीड से भागने की कोशिश करेंगे। सेकेंड केस में बी वाला जो है उसको हम दौड़ने लगेंगे स्विमिंग पूल में जिसमें हनी है, और थर्ड केस में उस आदमी को उसमें दौड़ने लगेंगे जिसमें वाटर है। तो तीनों ने एक साथ में शुरू किया तो याद रखना सबसे पहले ये पहुंचेगा नंबर वन, सेकेंड नंबर पे ये पहुंचेगा, थर्ड नंबर पे ये पहुंचेगा। जबकि अगर तीनों को एक साथ में दौड़ा है, हम आइडेंटिकल ले रहे हैं, तो तीनों एक साथ में रेस कंप्लीट करेंगे अगर मीडियम क्या रखेंगे सेम। तो तीनों आइडेंटिकल है, तीनों एयर में एक ही स्पीड से दौड़ सकते हैं, पर उसमें से एक को हमने एयर में दौड़ने को बोला है, एक में हमने हनी को एक में या एक को हमने हनी के अंदर दौड़ने के लिए बोला है स्विमिंग पूल में, और एक को हमने वाटर के स्विमिंग पूल में दौड़ने को बोला है। तो याद रखना भले ही एयर में तीनों की स्पीड सेम है पर अब मीडियम जब बदल गया तो जब उसमें वो दौड़ने की कोशिश करेंगे तो यहाँ एयर सबसे कम अपोजिशन क्रिएट करेगा, वाटर उससे थोड़ा ज्यादा अपोजिशन क्रिएट करेगा, और हनी इन तीनों में सबसे ज्यादा अपोजिशन क्रिएट करेगा। हनी की जगह आप मर्क्यूरी भी डाल सकते हैं, मर्क्यूरी याद है ना आपको, इट इज अ कंडक्टर जो कि लिक्विड स्टेट में है, तो उसकी डेंसिटी ज्यादा है तो वो हनी से भी ज्यादा अपोजिशन क्रिएट करेगा वहां पे, ठीक है। अब इस एग्जांपल को ऐसे समझो, मेरे पास तीन बीकर है, ये पहला बीकर आइडेंटिकल, ये दूसरा और ये तीसरा, एक खाली है, खाली है मतलब इसके अंदर क्या होगा एयर, एक में हम डालेंगे वाटर, इसमें हमने फिल कर दिया वाटर तो पूरा वाटर फिल्ड है, और थर्ड बीकर में हमारे पास हनी, ये भी हमने पूरा फिल कर दिया, ये है हनी, हनी मतलब शहद। अब हमारे पास एक स्फेरिकल मार्बल बोलो या मेटल का स्पीयर है, समझो जैसे छर्रा बोल सकते हैं हम, वो जो साइकिल बाइसिकल या टू व्हीलर के भी व्हील्स में आजकल तो डिस्क ब्रेक वगैरह आने लग गए, बाकी चीजें नहीं, पर वो बाइसिकल में आपने देखा होगा गोल गोल मेटल के बॉल्स अटैच रहते हैं जिनको छर्रे बोलते हैं, या मेटल का बॉल है समझो, एक यहाँ रखेंगे मेटल का बॉल, एक यहाँ रखेंगे और एक यहाँ रखेंगे, तीनों आइडेंटिकल मेटल के बॉल्स हैं। ऑल आर आइडेंटिकल मेटल स्पीयर्स। अब तीनों को एक साथ में अगर मैं रिलीज करूं यहां से तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा, इस एग्जांपल पर से देखो, ये सबसे पहले टच होगा ग्राउंड में या इसके बॉटम में, क्यों सबसे पहले टच होगा क्योंकि ये एयर में मूव हो रहा, अपोजिशन सबसे कम, जब ये यहाँ पे मूव होगा तो ये सेकेंड नंबर पे पहुंचेगा, और इसमें जो
स्पीयर मूव होगा, मेटल स्पीयर, वो सबसे लास्ट में पहुंचेगा क्योंकि अपोजिशन ज्यादा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये हटा के मर्क्यूरी डाल दू एच जी, तो डेफिनेटली और ज्यादा अपोजिशन बढ़ जाएगा। मान लो ये यहां से छोड़ने के बाद, समझो हम ले रहे 2 सेकेंड्स के बाद, 2 सेकेंड के बाद ये यहां पहुंच गया, तो ये 2 सेकेंड के बाद यहां पहुंचा है, तो ये 2 सेकेंड के बाद छूटने के बाद यहां तक ही पहुंचा है बस, जब हमने मर्क्यूरी डाला, ठीक है। तो ये यहां तक पहुंच गया, क्यों? क्योंकि एयर में अपोजिशन कम था, एयर है अभी यहां पर, ठीक है। अगर आप इसमें वैक्यूम क्रिएट करके उसको छोड़े तो डेफिनेटली वो और जल्दी नीचे आएगा क्योंकि फ्रिक्शन हट ही जाएगा, पर अभी फ्रिक्शन है पर कम है, तो ये 2 सेकंड में यहां से यहां तक पहुंचा, समझो उतने ही टाइम में इसने सिर्फ इतना ही डिस्टेंस कवर किया, क्योंकि जैसे ही वो पानी में एंटर करेगा एयर से ज्यादा फ्रिक्शन है तो अपोजिशन ज्यादा बढ़ गया, जबकि एक्सेलरेशन सब पे सेम है, कितना जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहां हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स सेम है सब पे, बट सब अलग अलग डिस्टेंस पे क्यों पहुंचे? फ्रिक्शन की वजह से। अब ये जब मूव होगा मर्क्यूरी में ये बॉल, तो डेफिनेटली फ्रिक्शन और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो फ्रिक्शन ज्यादा होने की वजह से इसने ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं किया जबकि फोर्स सेम है, तो अपोजिशन ज्यादा होने की वजह से उसकी स्पीड कम हो गई, स्पीड कम हो गई तो डिस्टेंस भी कम ट्रेवल किया, तो ये सबसे पहले पहुंचेगा, ये सेकंड नंबर पे पहुंचेगा, ये थर्ड नंबर पे। अब हम लेंगे स्ट्रोक्स लॉ, तो ये देखो एग्जाम्पल समझ में आया, तो ये डायग्राम है, फिर उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो स्ट्रोक्स लॉ है स्फेरिकल बॉडी के लिए, कौन सी बॉडी के लिए? स्फेरिकल, ये लिखा है हमने स्फीयर, तो ये डायग्राम रखते हैं, बाकी हटा देते हैं। मेटल स्फीयर मर्क्यूरी में मूव हो रहा है, तो मर्क्यूरी में आपको क्लियर देखने को मिलेगा, यानी अगर मैं मेटल स्फीयर यहाँ पे ड्रॉप करूँ तो वो एयर में यहाँ से यहाँ तक मूव होगा फास्ट, जब आप उसको मर्क्यूरी में ड्रॉप करेंगे तो आपको क्लियर दिखेगा कि वो स्लोली नीचे 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 जा रहा है, ऐसे क्लियर विजिबल रहेगा वो। ये एक्सपेरिमेंट था पहले 11th में, पर उसको हटा दिया है क्योंकि मर्क्यूरी पॉइजनस रहती, इसीलिए वो एक्सपेरिमेंट 11th स्टैंडर्ड से हटा दिया। तो अब हम लेंगे स्टोक्स लॉ, तो हम लेंगे इक्वेशन बना रहे विस्कस फोर्स का, समझो उसको डिनोट करेंगे Fv से, फॉर मेटल स्फीयर, इसके लिए ले रहे मेटल, मेटल बोलने से अच्छा बोलेंगे स्फेरिकल बॉडी, जनरलाइज लिख लेंगे बॉडी विच इज मूविंग इन विस्कस मीडियम, विस्कस मीडियम में मूव हो रहा, वो विस्कस मीडियम एयर भी हो सकता है, वो वाटर भी हो सकता है, वो हनी भी हो सकता है या मर्क्यूरी भी हो सकता, तो ये हम स्फेरिकल बॉडी के लिए ले रहे हैं, स्फेरिकल बॉडी के लिए। तो स्फेरिकल बॉडी जब हम यहां से रिलीज करेंगे तो वो इस विस्कस लिक्विड में मूव होंगे, विस्कस मीडियम में मूव होंगे, तो उस पे फ्रिक्शन कितना एक्ट होगा उसका इक्वेशन स्टोक्स लॉ में दिया है। तो याद रखो, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फेरिकल बॉडी, स्टेटमेंट सुनना, विस्कस फोर्स यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द स्फेरिकल बॉडी, जो इस स्फेरिकल बॉडी पे एक्ट होगा व्हेन इट इज मूविंग इन द विस्कस मीडियम, व्हेन इट इज मूविंग इन द विस्कस मीडियम, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो स्फेरिकल बॉडी पे एक्ट होगा when it is moving in the viscous medium is number 1 directly proportional to eta, eta matlab kya, coefficient of viscosity, directly proportional to v, v matlab velocity, small v se denote karna, isliye ab hamara v capital aisa small v aisa to mix hone ke chance hai, isliye hum small v ko aisa round karte hain thoda sa, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, अब स्पीयर है तो रेडियस तो आएंगे, प्रोपोर्शनल की साइन हटाएंगे तो 6 pi कॉन्स्टेंट आएगा, ईटा आर इंटू वी या ईटा वी आर कुछ भी लिखेंगे तो चलेगा। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर स्टोक्स लॉ, देखो एक बार, तो फिर से एक बार सुनो,
स्टोक्स लॉ ने क्या दिया है कि अगर स्फेरिकल बॉडी के लिए दिया है, याद रखना, स्फेरिकल बॉडी मेंशन करना, विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फेरिकल बॉडी व्हेन इट इज मूविंग, मूव हो रहे व्हेन इट इज मूविंग या फॉलिंग, फॉल हो रहा ना यहाँ पे, फॉलिंग इन विस्कस मीडियम, तो उस पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट होगा, इस स्फेरिकल बॉडी पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट होगा, उसका फोर्स जो है, विस्कस फोर्स जो है, जो अपोजिंग फोर्स इस स्फीयर पे एक्ट हो रहा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा, यानी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस, यानी जैसे जैसे ये नीचे आएगा ग्रेविटेशन की वजह से वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो फ्रिक्शन भी क्या होते जाएगा इंक्रीज, याद रखना, जब कोई ऑब्जेक्ट एक हाइट से नीचे गिर रहा तो इट्स वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग बिकॉज उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा एक्ट हो रहा, वेट एम जी, तो जैसे जैसे ये नीचे आते जाएगा और स्लो होते जाएगा क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही पर साथ में क्या बढ़ते जाएगा फ्रिक्शन, तो उसके बाद वो एक टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंचेगा, तो टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बाद में लेंगे, पर याद रखना जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा बिकॉज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, अगर स्पीयर छोटा है तो फ्रिक्शन कम, स्पीयर बढ़ा लेंगे तो फ्रिक्शन ज्यादा, ठीक है, एंड ईटा, ईटा इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मर्क्यूरी है ज्यादा रहेगी वैल्यू, वाटर है तो कम रहेगी वैल्यू ईटा की, तो फ्रिक्शन भी कम, तो फिर से सुनना स्टोक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फेरिकल बॉडी विच इज मूविंग या फॉलिंग, फॉल हो रहा ना नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स मूविंग की जगह फॉलिंग लिख लो, फॉलिंग थ्रू या फॉलिंग इन अ विस्कस मीडियम में फॉल कर रहा या मूव कर रहा, देन दैट फोर्स, इस पे जो अपोजिंग फोर्स एक्ट होगा स्फेरिकल बॉडी पे, इस स्फेरिकल बॉडी पे जो अपोजिंग फोर्स यानी विस्कस फोर्स जो एक्ट होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ दैट स्फीयर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, प्रोपोर्शनल भी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट है, उन्होंने ये बोला है टेक्स्ट बुक में, इसका डेरिवेशन नहीं है पर उन्होंने बोला कि ये डिराइव कर सकते हैं आप बाय यूजिंग डायमेंशन, तो टेक्स्ट बुक में उसका प्रूफ नहीं दिया है डायमेंशन से, ना मैंने नोट्स में दिया है, पर मैं अभी करके बता रहा, आप लोग चाहे तो वो नोट कर ले, तो याद आ ही जाएगा हमने लिया ही है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जो फर्स्ट चैप्टर था डायमेंशन के यूज, उसका यूज करके ये रिलेशन हम लोग डिराइव करें, तो देखते हैं, पहले ये स्टेटमेंट देख लो और इक्वेशन देख लो, नोट्स में पढ़ लो या टेक्स्ट बुक में पढ़ लो एक बार, फिर डिराइव करता देख लो एक बार, ये इक्वेशन डायमेंशन का यूज करके डिराइव कर लेते, तो देखो ये इक्वेशन उन्होंने बोला है सिर्फ टेक्स्ट बुक में, यू कैन डिराइव दिस इक्वेशन बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशन, उन्होंने लिखा है तो मैं सिर्फ करके बता देता हूं, एक बार लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिख लेंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो इक्वेशन था वो डिराइव कर रहे हैं हम, यूज ऑफ डायमेंशन में डिराइव द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का वो रूल हम यूज करेंगे यहाँ पे, स्टोक्स लॉ का स्टेटमेंट हो चुका है, उसका इक्वेशन हो चुका है, दो मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, इसमें स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट होगा उसका इक्वेशन दिया था, इसके बाद समझो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी या टर्मिनल वेलोसिटी बचा है, उसके बाद एक वीडियो और बर्नौलीज़ प्रिंसिपल, ये चैप्टर खत्म हो गया, चले जाते हैं, तो हम रिलेशन निकाल रहे हैं, तो हम लिखेंगे लेट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू के, याद कर आता क्या, देखो ईटा आर वी, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का रिलेशन निकालना है या विस्कस फोर्स का रिलेशन निकालना है ईटा आर और वी के साथ, इसके ऊपर लिखेंगे एक्स, इसके ऊपर वो लिखेंगे वाई और इसके ऊपर लिखेंगे जेड, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, के कांस्टेंट नहीं आता, याद है, टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, तो यहां हम कौन सी क्वांटिटी का रिलेशन निकाल रहे हैं, विस्कस फोर्स का या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का रिलेशन जो स्फेरिकल बॉडी पे एक्ट होगा व्हेन दे आर मूविंग इन अ विस्कस मीडियम, जैसे ये था, ये मेटल स्फीयर मर्क्यूरी के अंदर मूव हो रहा था, तो उस पे विस्कस फोर्स कितना एक्ट हो रहा वो बता रहा है, तो ये एफ वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट के ईटा रेस टू एक्स आर रेस टू वाई
एंड वी रेस टू जेड, एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू डालेंगे तो इन सबका रिलेशन मिल जाएगा, डायमेंशन के थ्रू सॉल्व करेंगे। सो डायमेंशन ऑफ एफ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के, डायमेंशन ऑफ ईटा रेस टू एक्स, डायमेंशन ऑफ आर रेस टू वाई, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी स्मॉल वी है इसलिए राउंड कर दो उसको, क्योंकि वॉल्यूम भी आएगा तो वॉल्यूम को हम कैपिटल इससे गिन आउट करेंगे। डायमेंशन क्या आएंगे, फोर्स के M1, L1, T-2, के ईटा के डायमेंशन M1, L-1, T-1, रेस टू एक्स, रेडियस के डायमेंशन, रेडियस यानी लेंथ M0, L1, T-0, रेस टू वाई, और वेलोसिटी की डायमेंशन, वेलोसिटी के डायमेंशन m0 l1 b-1 रेस टू z। अब अगर याद आया होगा तो आपको सॉल्व करके देखो, x y z तीनों की वैल्यू 1 आनी चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं एक स्टेप कम कर रहा हूं, या चलो कर लेते हैं। सो k ये हो जाएगा x अंदर मल्टीप्लाई x l रेस टू माइनस x t रेस टू माइनस x, ईटा के डायमेंशन कल बताया इधर m raised to 0, l raised to y, t raised to 0, इधर m raised to 0, l raised to z, t raised to minus z, so इधर है dimensions m1, l1, t-2, इधर आएगा constant k, x ये 0, ये 0, तो ये होगा m raised to x, l ये minus x, ये y, ये z, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और टी ये डायमेंशन में सिखाया, कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज दिए रहे तो उनका रिलेशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ निकाल सकते हैं। तो टेक्स्ट बुक में इतना लिखा है खाली कि यू कैन फाइंड द डायमेंशन, यू कैन फाइंड द रिलेशन, कैन डिराइव दिस रिलेशन बाय यूजिंग डायमेंशन। तो मैं करके बता रहा रफ में, या लिख लेना फेयर में ही लिख दो, लिखा हुआ वेस्ट थोड़ी जाएगा। ये है माइनस एक्स, ये माइनस जेड, ये जीरो, तो माइनस एक्स माइनस जेड, तो इधर भी एक टर्म, इधर भी एक टर्म, अब कंपेयर करेंगे। तो ये डायग्राम हटा देते हैं फिलहाल, ये स्टोक्स लॉ हो चुका है हमारा, ये अब कंपेयर करो, ये एम रेस टू एक्स, यहाँ एम के ऊपर वन, तो एक्स की वैल्यू आ गई वन, एक आंसर हो गया। ये लिया हमने t के ऊपर, t के ऊपर है यहाँ माइनस टू, तो माइनस टू, x की वैल्यू वन डाल दो तो माइनस वन माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस टू, ये z उधर ले जाएंगे तो ये टू प्लस टू माइनस वन इट इज वन, तो ये आ गई z की वैल्यू। आप लेंगे ये वाला बीच वाला इक्वेशन l की, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, एल के ऊपर यहाँ है वन, तो एक्स की वैल्यू वन प्लस वाई की निकालना है, जेड की वैल्यू भी वन इज इक्वल टू वन, ये प्लस वन ये माइनस वन कैंसिल, वाई इज इक्वल टू वन, तो फिर हमारा आंसर बन जाएगा देयरफॉर एफ वी इज इक्वल टू के, ईटा के ऊपर एक्स, आर के ऊपर वाई, वी के ऊपर जेड, और तीनों की वैल्यू देखो क्या आई है वन, तो हम लिखेंगे ईटा आर इनटू वी, और नीचे लिख देना कांस्टेंट की वैल्यू, सो एफ वी इज इक्वल टू 6 pi ईटा आर इनटू वी। तो याद रखना हम लोग ये जो कांस्टेंट है के, उसकी वैल्यू डायमेंशन से डिराइव नहीं कर सकते, ये प्रैक्टिकली आएंगी, तो के की जगह डायरेक्ट 6 pi लिख लेना वहां। तो ये हो गया हमारा डेरिवेशन इस इक्वेशन का, स्टोक्स लॉ के इक्वेशन का बाय यूजिंग डायमेंशंस। तो ये हमने डिराइव कर लिया बाय यूजिंग डायमेंशंस, एक बार नोट डाउन कर लो।
तो ये सिर्फ लिख के रख लेना, उन्होंने बोला है कि डायमेंशन से डिराइव कर सकते हैं रिलेशन। तो हमने विस्कस फोर्स ऑन द स्फेरिकल बॉडी विच इज मूविंग इन अ विस्कस मीडियम, यानी फ्रिक्शन फोर्स स्फेरिकल बॉडी पे एक्ट हो रहा जब वो विस्कस मीडियम, एयर हो सकता है वो मीडियम, वाटर हो सकता है, मर्क्यूरी हो सकता है, हनी हो सकता, कोई भी हो सकता है, ईटा की वैल्यू मटेरियल के हिसाब से, उसकी रेडियस और ये उसकी वेलोसिटी। तो ये डायमेंशन से हमने वो रिलेशन डिराइव कर लिया। के कांस्टेंट का आंसर नहीं आएगा ध्यान रखना, उसकी जगह हम लास्ट में लिख लेंगे कि कांस्टेंट इज 6 पाई। कांस्टेंट की वैल्यू एक्सपेरिमेंट से ही निकलेगी। जब हमने काइनेटिक एनर्जी का भी इससे डिराइव किया था तो हमने हाफ एम वी स्क्वायर नहीं लिखा था, हमने लिखा था के एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे के की जगह बाद में 6 पाई डाल देना। तो ये फॉर्मूला है 6 पाई ईटा आर इनटू वी। ठीक है, देखिए आगे चल रहे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पता था, ये नोट करो, इसको मिटा दें। तो देखो आगे दे रहे हैं टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी पे जाने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, वो थोड़ा सा देख लेना, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ये समझो कंटेनर है, इसमें लेके एक मेटल का स्पीयर जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव हुआ, तो इसपे फोर्स कौन से एक्ट हो रहे पहले वो बता रहा। इसको टर्मिनल वेलोसिटी को भूल जाओ, पहले हम फोर्स देखेंगे कौन से एक्ट हो रहे उसमें। फर्स्ट फोर्स जो हमको पता है उसका वेट लेंगे एम जी, जो एक्ट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस पे पहला फोर्स एक्ट होगा वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेट एम जी, इसको थोड़ा सा हटा दे, वेट एक्ट हो रहा एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में पहला फोर्स। दूसरा फोर्स एक्ट होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या हम बोलेंगे विस्कस फोर्स, जो अभी हम लोगों ने इक्वेशन डिराइव किया है उसका Fv is equals to 6 pi eta r into small v is the velocity. ये बात में देखेंगे ना, ये समझ लो पहले। अब motion downward direction में है तो definitely friction upward direction में ही होगा, तो ये friction उस पे act हो रहा upward direction, तो ये एक force upward direction में वो है Fv। अब आप लोगों को Archimedes principle याद होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप पानी में डालेंगे तो वो अपने खुद के वॉल्यूम जितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, तो उस फोर्स को बोलते हैं हम लोग अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट बोलो या बोयन फोर्स बोलो, उसको डिनोट करेंगे हम लोग एफ यू से, उसका भी इक्वेशन पता था, तो वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा एफ यू अपथ्रस्ट, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में। आप लोग देखो जब हम स्विमिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, हाथ या पैर थोड़े से मूव करेंगे ताकि हम ज्यादा पानी डिस्प्लेस करें, जितना ज्यादा वाटर हम डिस्प्लेस करेंगे उतना हमको अपथ्रस्ट मिलेगा और हम पानी में फ्लोट। तो अपथ्रस्ट का फॉर्मूला बता दो, उससे पहले ये याद रखो, रो इसमें है डेंसिटी ऑफ सॉलिड, जो सॉलिड मेटल स्फीयर है उसकी डेंसिटी, और सिग्मा density of that liquid, water होगा तो water, जो भी liquid होगा उस liquid की density। तो upthrust का formula है V is the volume capital V, ये small V है, capital V है, capital V यानी volume, small V मतलब velocity। ठीक है, now V sigma into G, तो volume into density मतलब mass और into G, तो ये वो आप लोगों का हुआ है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो जितना वेट ऑफ द लिक्विड वो डिस्प्लेस करेगा, तो ये वेट ऑफ द लिक्विड है mg, दिस इज वेट ऑफ द लिक्विड, तो डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम, सो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो अपन वही बोल रहे हैं कि जब आप कोई ऑब्जेक्ट पानी में डालेंगे, वाटर में डालेंगे या कोई भी लिक्विड में डालेंगे, तो उस पे एक फोर्स एक्ट होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। क्यों एक्ट होगा, क्योंकि वो लिक्विड अपने वॉल्यूम जितना वाटर क्या करेगा डिस्प्लेस, या वो लिक्विड डिस्प्लेस करेगा। तो दिस इज द
वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो ये डेंसिटी लिक्विड की है और ये वॉल्यूम, वॉल्यूम जितना सॉलिड का है उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस होगा, तो ये वॉल्यूम सॉलिड का बोलो या लिक्विड डिस्प्लेस का बोलो सेम ही रहेगा, ये डेंसिटी है लिक्विड की। तो आप लोगों ने सुना होगा डेड सी है, जहां सॉल्ट ज्यादा है तो डेंसिटी ज्यादा है तो अपथ्रस्ट भी ज्यादा मिलेगा, और वहां आप सो भी गए पानी के ऊपर तो आप नीचे सिंक नहीं करेंगे। आप लोगों ने सुना होगा डेड सी के बारे में, डेड सी में मछलियां भी नहीं है वहां पे उतने एरिया में, क्यों नहीं है, क्योंकि वो नीचे तैर नहीं पाएंगे ना, अपथ्रस्ट की वजह से वो ऊपर आ जाएंगे, तो उसमें इतना ज्यादा सॉल्ट है वहां पे डेड सी में, डेंसिटी ज्यादा है लिक्विड की तो हमको अपथ्रस्ट भी ज्यादा मिलेगा। तो ये अपथ्रस्ट का फॉर्मूला, ये वेट एम जी, और ये विस्कस फोर्स का फॉर्मूला, तीनों फोर्स आ गए। तो दो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है, एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जब वो मेटल स्पीयर मूव होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वेट नीचे की तरफ, अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट हो रहा है ऊपर की तरफ ही रहेगा, और एफ वी फ्रिक्शन मोशन के अपोज में, तो तीनों फोर्स है, तीनों को आप कंबाइन करेंगे। अच्छा, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, वेलोसिटी को, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज मास ऑफ द सॉलिड, तो मास की जगह आएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, पर डेंसिटी सॉलिड की वॉल्यूम, तो वी पहले लिख लेते वॉल्यूम रो इनटू जी, ये तीनों फोर्स भी नोट डाउन करो, और फिर टर्मिनल वेलोसिटी का पहले कॉन्सेप्ट समझा था, फिर टर्मिनल वेलोसिटी का इक्वेशन निकालेंगे, यानी इस वी का इक्वेशन निकालेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है वो समझा था, पहले लिखता लेते। तो ये मास ऑफ द सॉलिड है, ठीक है, ये जो है ये है मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, या हम बोलेंगे वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस यानी मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस इनटू जी, तो ये वी इनटू सिग्मा, और यहां सॉलिड का मास है तो वी इनटू सिग्मा या वी इनटू रो, तो ये सॉलिड का मास है इसलिए ये, और ये लिक्विड का मास है इसलिए, तो ये थोड़ा सा याद रखना, अपथ्रस्ट का तुम लोगों को हुआ है 8-9-10 में, तो ये अपथ्रस्ट का फॉर्मूला है, याद रखो, तो ये याद रखो, रो इज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ये सॉलिड का मास है उसका वेट, ठीक है, और ये अपथ्रस्ट है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, उतना ही उस बॉडी में क्या एक्ट होगा, अपथ्रस्ट। तो हम स्विमिंग करते समय जब हाथ पैर थोड़ा सा मूव करेंगे तो हम ज्यादा वेट डिस्प्लेस कर रहे हैं लिक्विड का, तो हमको अपथ्रस्ट भी थोड़ा ज्यादा मिलेगा। तो ये है, दिस इज मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस इनटू जी, यानी वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, उतना ही क्या होगा अपथ्रस्ट, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, कि व्हेन वी पुट एनी ऑब्जेक्ट इनसाइड द वॉटर इट डिस्प्लेस वॉटर इक्वल टू इट्स ओन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम वही रहा है डेंसिटी वॉटर या लिक्विड की जो भी हो, और ये सॉलिड का है मास, तो यहाँ डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखना, यहाँ मास ऑफ द लिक्विड इनटू जी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला है। तो तीन फोर्सेस ऐड हो रहे, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में मोशन के, और अपथ्रस्ट भी अपवर्ड डायरेक्शन में, इतना पहले देख लो एक बार फिर आगे चलते, ये तीनों फॉर्मूले देख लो, इसका ये कैसे लिखा, इसका तो हमने डिराइव किया ही है, और ये फिर आगे देखते हो, तो ये मिटा रहा फोर्स, बाद में ऐड करेंगे उनको, एक बार ये देख लो पहले। तो अब देखो, अब टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझना, दो फोर्स चेंज नहीं होने वाले जब वो मूव कर रहा, तो दो फोर्स जो चेंज नहीं होने वाले वो है वेट, ये चेंज नहीं होगा, और एक चेंज नहीं होने वाला अपथ्रस्ट, बट ये फोर्स जो है वो चेंज होगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगी तो विस्कस फोर्स या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वहां पे वो चेंज होने वाला है। तो जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ या ये स्पीयर नीचे की तरफ मूव होता जाएगा, ठीक है, तो ये फोर्स और ये फोर्स तो सेम है, बट ये फोर्स इंक्रीज होगा, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही, वेलोसिटी बढ़ रही तो फोर्स भी बढ़ते जाएगा ये फ्रिक्शन का। एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स मैच हो जाएंगे, शुरुआत में ये दोनों फोर्स सेम नहीं है, पर जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आएगा ये फोर्स उतना ही है, ये भी फोर्स उतना ही है, बट ये जो एफ वी है यानी ये जो फोर्स है हमारा सेकेंड वाला विस्कस फोर्स, वो वेलोसिटी के साथ इंक्रीज होता जाएगा, यानी ये वैल्यू इंक्रीज हो रही। अब डेफिनेटली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था तो ये फोर्स ज्यादा है, इन दोनों का एडिशन कम है, बट जैसे जैसे नीचे जाएगा ये फोर्स इंक्रीज होता जाएगा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स दोनों सेम हो जाएंगे, तो हम तब ऐसा लिखेंगे कि वेट mg डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू अपवर्ड फोर्स दैट इज fu प्लस fv, ये तो ये इक्वल हो जाएंगे। तब क्या
क्या होगा, अब फोर्स जीरो हो गया, ठीक है, तो एक्सीलरेशन जीरो, एक्सीलरेशन जीरो मतलब अब वेलोसिटी चेंज नहीं होने वाली, भले ही वो अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी मूव हो रहा, बट उस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जहां अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स सेम हो जाएंगे, बॉडी विल मूव विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। अब ये अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स सेम, मतलब नेट रिजल्टेंट फोर्स हो गया जीरो, नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो मतलब एक्सीलरेशन जीरो, एक्सीलरेशन जीरो मतलब जो वेलोसिटी है कॉन्स्टेंट हो जाएंगी, उस टाइम पे ये जो वेलोसिटी है उसको हम बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी, जब वो कॉन्स्टेंट हो जाएंगे। तो यहां से यहां तक समझो दोनों फोर्स इक्वल नहीं थे, पर यहां पे आने के बाद दोनों फोर्स इक्वल हो गए, तो यहां से आगे का जो डिस्टेंस है वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव होगा। समझ में आ रहा है? इसका एग्जांपल बताता है, रेन ड्रॉप, समझो ये रेन ड्रॉप है ये, और वो एयर में मूव हो रहा, तो एयर में भी फ्रिक्शन तो है एयर का उसके साथ, तो सिर्फ फर्क इतना होगा, अब डेंसिटी ऑफ, जब हम ये लिक्विड ड्रॉप के लिए लगाएंगे तो डेंसिटी ऑफ स्पीयर है ना, तो स्पीयर है लिक्विड का, तो लिक्विड हो जाएगा, और सिग्मा डेंसिटी ऑफ लिक्विड की जगह डेंसिटी ऑफ एयर हो जाएगा, बस उतना फर्क आएगा बाद में। तो जब वो बारिश गिर रही, तो क्लाउड में से जब वो ड्रॉप गिरेगा, तो सपोज इट इज 12 किलोमीटर के करीब है समझो, वो इतने हाइट से जब ड्रॉप गिर रहा तो उसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा होनी चाहिए थी जब तक वो नीचे आता कि हमको वो जोर से लगना चाहिए ड्रॉप, बट इतने जोर से वो ड्रॉप लगता नहीं। क्यों नहीं लगता? ड्रॉप निकला है यहां से, तो ये समझो स्काई है, क्लाउड है यहां पे, अब ये लिक्विड की जगह हम बोलेंगे ये एयर, तो जैसे जैसे वो क्लाउड में से ड्रॉप नीचे की तरफ आते जाएगा तो mg उतना ही है, अपथ्रस्ट उतना ही है एयर में उसका, बट ये फोर्स इंक्रीज होते जाएगा, तो बीच में कहीं तो भी क्लाउड से निकलने के बाद और अर्थ में पहुंचने के पहले बीच में कहीं तो भी एक ऐसी कंडीशन आएगी जहां लिक्विड ड्रॉप पे अपथ्रस्ट और वेट mg दोनों बैलेंस हो जाएंगे। नाउ द ड्रॉप विल मूव विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी एंड दैट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी विल बी टर्मिनल वेलोसिटी, तो वो ड्रॉप कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से आगे मूव हो रहा है, यानी अब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रही, इसीलिए वो लिक्विड ड्रॉप यानी बारिश की बूंद हमको इतनी जोर से आके नहीं लगती। अगर फ्रिक्शन हटा दे तो डेफिनेटली वो फोर्स बहुत जोर से आएंगे, फ्रिक्शन मतलब एयर हटानी पड़ेगी, अगर हम क्लाउड और हमारे बीच में की एयर हटा दे तो वो ड्रॉप की वेलोसिटी बहुत ज्यादा रहेगी, इतनी ज्यादा रहेगी कि वो हम फील कर पाएंगे कि ड्रॉप आके हमको जोर से लगा है वो ड्रॉप। बट अब क्या हो रहा, एयर होने की वजह से वो ड्रॉप जो क्लाउड में से निकला है वो एयर में मूव हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एयर में मूव होने की वजह से अपथ्रस्ट भी है mg भी है, जैसे ये पानी में मूव हो रहा था अब वो ड्रॉप एयर में मूव हो रहा, एयर का भी कुछ ना कुछ फ्रिक्शन रहेगा, ठीक है, ये लिक्विड का ड्रॉप, ये लिक्विड ड्रॉप पे अपथ्रस्ट, ये है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो जो ड्रॉप नीचे नीचे आएगा तो ये बढ़ते जाएगा, बीच में कहीं तो भी क्लाउड और अर्थ के बीच में कहीं तो भी ऐसा होगा जहां अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स दोनों मैच हो जाएंगे। नाउ द लिक्विड ड्रॉप यानी बारिश की बूंद अब कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से नीचे आएंगे, तो वो जब आके हमको हिट कर रही तो उसकी वेलोसिटी जो रहेगी वो है उसकी टर्मिनल वेलोसिटी। अब वो ड्रॉप इसके आगे ग्राउंड तक टर्मिनल वेलोसिटी से मूव होगा, यानी उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई इसके बाद और वेलोसिटी अब इंक्रीज होने वाली नहीं है, वेलोसिटी इंक्रीज होने वाली नहीं है। तो ये सेम कॉन्सेप्ट लिक्विड ड्रॉप यानी बारिश के लिए भी अप्लाई हो सकता, सिर्फ याद रखो तब क्या होगा, रेड पेन से चेंज करने का, स्पीयर कैसे बना है, स्पीयर बना है लिक्विड से, तो रो मतलब हमारे फॉर्मूले में जो आएगा इट विल बी डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और वो मूव काय में हो रहा है, लिक्विड में मूव नहीं हो रहा, एयर में मूव हो रहा, तो इसकी जगह हम लोग लिख लेंगे एयर। तो अभी फॉर्मूला बनाएंगे तो वो आप बारिश की बूंद के लिए भी वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, अगर उसकी टर्मिनल वेलोसिटी निकालना है तो, ठीक है। तो ड्रॉप जब क्लाउड से निकला तब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही, यहां तक पहुंचने के बाद क्या होगा, उसका डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स सेम हो जाएगा, अब यहां से ड्रॉप ग्राउंड तक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से जाएगा, भले वो अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी मूव हो रहा, बट रिजल्टेंट फोर्स जीरो, एक्सीलरेशन जीरो, नाउ इट विल मूव विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी एंड दैट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। अब इसके आगे यहां तक तो वेलोसिटी इंक्रीज हुई, अब इसके आगे टर्मिनल वेलोसिटी से मूव होगा, जब वो हमको आके हिट करेगा ड्रॉप, तो इट विल हिट विद टर्मिनल वेलोसिटी, तो इसीलिए उसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी एक्चुअल में होनी चाहिए थी, क्योंकि फ्रिक्शन है, तो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करेगा ड्रॉप और आगे टर्मिनल वेलोसिटी से मूव होगा। तो अभी तो हम सॉलिड और लिक्विड के लिए डिराइव कर रहे हैं, पर किसी ने अगर
न्यूमरिकल में क्वेश्चन पूछा है बारिश की बूंद के लिए, तो स्फीयर कैसे बना है? लिक्विड से, तो हम यहाँ लिखेंगे लिक्विड यानी वाटर, और वो मूव हो रहा एयर में, तो हम यहाँ लिक्विड की जगह वो डेंसिटी ऑफ एयर कर देंगे। तो ये सिंबल ध्यान रखना, थोड़े से चेंज करते हैं। तो अभी तो हम फिलहाल यही एग्जाम्पल के लिए वो इक्वेशन डिराइव करेंगे। एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करके जो बारिश का समझाया वो देख लो। अब टर्मिनल वेलोसिटी का इक्वेशन डिराइव करेंगे, तो डेरिवेशन में ये डायग्राम बनाना है, ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, और फिर ये लिखना है। इसके आगे का डेरिवेशन कंटिन्यू करेंगे, इसको मिटा के ये और ये रहने दूंगा, यहाँ से शुरुआत करूंगा। तो ये एक बार देखो, आगे चलते हैं। अब देखो, अब हम ले रहे हैं इक्वेशन, आगे जा रहे हैं। तो तीन टाइप के फोर्स लिखना, पहले तीन टाइप के फोर्स है mg, और डायरेक्शन पे बताना डाउनवर्ड डायरेक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन, अपथ्रस्ट अपवर्ड डायरेक्शन। जब अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स दोनों सेम हो जाएंगे, नाउ द बॉडी विल दैट स्फीयर विल मूव विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, दैट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। तो हमने लिखा था वेट mg इज इक्वल्स टू fv लिखा है भाई, fv प्लस fu, तो इसकी जगह लिखा था हमने v, v इज द वॉल्यूम, स्मॉल v से डिनोट करेंगे वेलोसिटी, v रो g, अभी लिखा था वो तीनों में आ, ये इट इज, ये 6 पाई ईटा r इनटू v, ये है वेलोसिटी, तो इसको बदल ही देता चलो। तो ये कैपिटल v मतलब वॉल्यूम और स्मॉल v मतलब टर्मिनल वेलोसिटी, तो अब यहां लिखेंगे ये mu से कर दिया, और इधर आएगा प्लस अपथ्रस्ट का फॉर्मूला v वॉल्यूम सिग्मा इनटू g, ठीक है, इसको इधर ले लो, कॉमन क्या निकलेगा देखो, वॉल्यूम कॉमन, ठीक है, फिर ब्रैकेट में बचेगा रो माइनस सिग्मा, रो इज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर एंड सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और g कॉमन, इट इज इक्वल्स टू, इधर बचेगा 6 पाई ईटा आर इंटू वी, वी इज द टर्मिनल वेलोसिटी या वेलोसिटी बोलेंगे, जरा वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख रहा है यहाँ पे, क्या आएगा वॉल्यूम का स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, सिंपल है, वेलोसिटी का आंसर मिल जाएगा। डेरिवेशन दिखने में लगेगा कि अरे यार नोट्स में देखेंगे तो कि बहुत ज्यादा लेंथी है या बहुत डिफिकल्ट होगा, पर इजी है, पहले इतना देख लो, फिर जो कैंसिल होता है वो कैंसिल करते हैं, बचा हुआ लिखेंगे, एक तरफ शिफ्ट कर लेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी का आंसर मिल गया, देख लो पहले। ठीक है, आगे ले रहे हैं, याद रखो आर इज द रेडियस, तो देखो ये 6 है, ये 4 है, तो 2 से कैंसिल कर दो, पहले ये 2 बचा, डिवाइडेड बाय 3 पाई, पाई कैंसिल, ये r इसके साथ कैंसिल, तो ये बचा r स्क्वायर, ब्रैकेट में बचा रो माइनस सिग्मा इनटू ये g, इट इज इक्वल्स टू, ये 2 4 2 सर और ये 2 3 सर, ये बचा है 3 पाई कैंसिल, थीटा बचा है, r कैंसिल और वेलोसिटी बची है, फाइनल आंसर इधर लिख दे, देखो क्या बचेगा, सो v कैन बी रिटन एज टर्मिनल वेलोसिटी कैन बी रिटन एज, हाँ ये 3 अपॉन में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2/9, ये 3 और ये 3 9, ये बचा है आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी, और ये ईटा अपॉन में आ जाएगा, सो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर टर्मिनल वेलोसिटी का, आफ्टर दैट इट विल मूव विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, तो ये है वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है, चाहे तो इसको ब्रैकेट में डालो, ये है नंबर हमारा 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन ईटा, इस पर से हम ईटा का भी आंसर बना सकते चाहे तो, ईटा को शिफ्ट कर दो इधर और v को इधर, तो क्या बनेगा 2/9 r square
रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन में टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी, इन दोनों को शिफ्ट कर दो तो ये होगी टर्मिनल वेलोसिटी। ईटा का भी आंसर याद रख सकते हैं, वी का भी टर्मिनल वेलोसिटी निकालने के लिए आया तो ये ध्यान रखना। तो याद रखना जैसे ये यहाँ से निकला ये फोर्स और ये फोर्स सेम है बट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वेलोसिटी के साथ चेंज होगा क्योंकि उसमें वेलोसिटी के साथ डायरेक्ट वेरिएशन है, तो अपवर्ड फोर्स इंक्रीज होते जाएगा, बाकी फोर्स सब वैसे ही है। ठीक है, तो जब डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स दोनों इक्वल हो जाएंगे फोर्स रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन जीरो है, नाउ द बॉडी विल कीप ऑन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज टर्मिनल वेलोसिटी और ये उसका इक्वेशन। फिर से बोल रहा रेन ड्रॉप के लिए भी वही लॉजिक लगेगा, सिर्फ याद रखना ये रो डेंसिटी ऑफ स्पीयर है तो यहाँ पे आएगा वाटर ड्रॉप की डेंसिटी, ये सिग्मा इस मीडियम की डेंसिटी है जिसमें वो मूव हो रहा तो सिग्मा हो जाएगी डेंसिटी ऑफ एयर, तो वो थोड़ा सा चेंज याद रखना पड़ेगा जब ये हम लिक्विड ड्रॉप यानी रेन ड्रॉप के लिए लगाएंगे। तो रेन ड्रॉप जब क्लाउड में से नीचे गिरा अर्थ तक पहुंचते तक तो जैसे जैसे वो नीचे आएगा उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, जब अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स सेम हो जाएगा आफ्टर दैट द ड्रॉप विल मूव विद कॉन्स्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी और उसकी वेलोसिटी अब उससे ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी। तो लिक्विड ड्रॉप यानी बारिश के लिए भी ये टर्मिनल वेलोसिटी का इक्वेशन लगा सकते। देख लो ये हो गया हमारा, तो इतना अगर याद है आप लोगों को प्रॉपर समझ में आ गया तो ये और ये दो देख लो, ये तो अभी डिराइव किया है, ये वेट एम जी की जगह कैसे सब्सटीट्यूट किया वही बताया और ये भी बता दिया, बस सिंपल अरेंज करना है आंसर मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा टर्मिनल वेलोसिटी का इक्वेशन, देख लो एक बार मिटा दे इसको। ये क्वेश्चन आया तो 3 मार्क के लिए आएगा कि डिराइव द इक्वेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी, तो ये इक्वेशन आया तो 3 मार्क के लिए। स्टार्टिंग में जो मैंने लिखा था कितने फोर्स थे 1 2 3 फिर ये डायग्राम, फिर लिखा था अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स मैच हो जाएंगे तो इट विल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। फिर उसके बाद अपवर्ड और ये डाउनवर्ड फोर्स सेम लिख के फिर सिंप्लीफाई करना, नोट डाउन कर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखना 3 मार्क के लिए, एक बार लिख के देखना बेटा, कोई भी डेरिवेशन रहो छोटा रहो बड़ा रहो समझ में भी आ गया होगा तो एक बार जस्ट लिख के देख लो यहाँ तक पहुंच गए एक बार तो फिर लाइफ लॉन्ग तो क्या याद रहेगा। ठीक है, तो एग्जाम तक तो याद रह ही जाए, एक बार अगर आप लोगों ने लिख लिया और बीच में एक आध बार तो मैं इसे पढ़ने पलटा के रिवाइज कर लिया तो रिवाइज करते समय भी क्या करना है, जब रिवाइज करेंगे अच्छा ये डेरिवेशन लिखना है क्या तो एक बार जस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ लो और फटाक से लिख के देख लो यहाँ से यहाँ तक, कंसीडर हो गया एक बार मत लिखो यहाँ से यहाँ तक लिखने में कितना टाइम लगेगा 5 मिनट, तो 5 मिनट में एक डेरिवेशन हमारा पूरा रिवाइज हो सकता है बाद में। फिर कंसीडर वगैरह हम डायग्राम देख के इमेजिन कर सकते हैं क्या क्या कंसीडर करना है क्या लिखना है, अगर डेरिवेशन के सिर्फ मालूम है तो फिर कंसीडर वगैरह हम थोड़ा सा अपने मन से भी कंस्ट्रक्ट करके लिख सकते हैं, वो कोई कंसीडर वगैरह डेफिनेशन नहीं है कि एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड वैसे ही होना चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए, 3 फोर्स बताने हैं 3 फोर्स बता दो उनके इक्वेशन लिख लो उसके बाद ये एक बार जस्ट लिख के देखना डेरिवेशन। चलो एक आगे एक और टॉपिक ले लेते हैं फिर बर्नौलिस प्रिंसिपल रखेंगे हम लोग तो लास्ट वाले वीडियो के लिए, तो लास्ट वाले वीडियो में बर्नौलिस प्रिंसिपल हो गया तो फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये नोट डाउन करो आगे चलते। अब देखो अब ले रहे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये लेंगे हम लोग इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, इनकॉम्प्रेसिबल मतलब जिसको हम कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, तो स्टार्टिंग में बोला था यहाँ पर ऐसा फ्लूइड कंसीडर कर रहे हैं जिसको कॉम्प्रेस नहीं कर सकते तो इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड ही ले रहे हैं। ये हुआ है अपना पहले बताया है, देख लो एक बार ये समझो एक पाइप है जिसका एरिया अलग है, ठीक है यहाँ एरिया है A1 यहाँ एरिया है A2, पहले भी समझाया है कि सपोज आप पाइप से पानी दे रहे, पाइप में से पानी जो गिर रहा वो यहां तक है सर ऐसे फ्लो हो रहा वाटर यहां पे आके गिर रहा वाटर, हमको यहां पानी डालना है इस पेड़ में तो हम क्या करेंगे यहां थोड़ा सा अंगूठा लगाएंगे एरिया कम कर देंगे इसका, इतना एरिया बंद कर दिया हमने तो हमको पता है कि ये थोड़ा ज्यादा दूर जाएगा ऊपर, तो एरिया कम हो गया तो वेलोसिटी क्या हो गई इंक्रीज। वही है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कि अगर आपने एरिया कम कर दिया जैसे हम पाइप से पानी डाल रहे हैं ऐसे पकड़ के रखा है पाइप तो समझो पानी यहीं तक आ रहा है ये यहां तक आ रहा है समझो पहले यहां तक था
अब जैसे ही आप उसको अंगूठे से प्रेस करेंगे और उसका एरिया कम कर देंगे तो पानी ज्यादा दूर जाएगा क्योंकि उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। वही हम यहाँ प्रूफ करने वाले हैं, यहाँ एरिया ज्यादा है तो यहाँ वेलोसिटी कम होगी, यहाँ एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। आप लोग देखो जब आप गाड़ी वॉश करने अगर जाते होंगे, अगर आपने यहाँ पे देखा होगा तो वो हम घर में जैसा पाइप यूज करते वैसा ही पाइप है ये ऐसा। पर वो लोग आगे क्या करते हैं ध्यान से देखना, एक नोजल लगा लेते हैं जो बहुत ही कम एरिया का है, एकदम पतला सा नोजल है, तो वेलोसिटी उसमें से पानी की इतनी ज्यादा रहेगी कि वो धूल मिट्टी ग्रीस या कुछ भी लगा हुआ है तो उसको साफ कर देगा। तो पाइप हम घर में यूज करते वही है, हम अंगूठा लगा के उसका एरिया कम करते हैं, वो वहां पे एक नोजल लगा देते हैं जिसका एरिया देखो बहुत ही कम है, यहाँ से ऊपर है जो ये ऐसा रखते हैं तो ये एरिया ज्यादा है पर यहाँ एरिया कम, तो इसमें से जो पानी निकलेगा उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा रहेगी। तो कार वॉश करने के लिए या बाइक वॉश करने के लिए देखो वो लोग मशीन से पानी खींचते, अब वो अगर नोजल हटा दें तो पानी का फोर्स उतना ज्यादा स्पीड उतनी ज्यादा नहीं रहेगी, पर जैसे हम अंगूठा लगा के वो एरिया कम करते हैं, वो सामने नोजल लगा के उसका एरिया बहुत कम कर देते तो उससे जो धार निकलेगी वो बारीक है मगर उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। तो वही हम यहाँ प्रूफ करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में। तो देखो अब इसके अंदर समझो वाटर एंटर कर रहा, ये वाटर एंटर कर रहा ठीक है, यहाँ ठीक है थोड़ा सा ऐसा क्राउडेड हो जाएगा, वो छोड़ दो एक बार, अब वो वाटर यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो इतना तो समझ में आता है कि जितना मास अंदर एंटर करेगा उतना ही मास छोड़ के भी जाएगा क्योंकि जमा होने के लिए तो कोई जगह ही नहीं है पाइप में, तो यहाँ से जो मास एंटर हो रहा है यहाँ से उतना ही मास वापस बाहर निकलेगा। एक मिनट में यहाँ से समझो या एक सेकंड में जितना मास एंटर होगा एक सेकंड में उतना ही मास यहाँ से बाहर निकलने वाला है। तो वही हम लिख रहे कि मास एम वन एंटरिंग थ्रू एरिया ए वन इज इक्वल टू मास ए टू सॉरी एम टू एंटरिंग थ्रू एरिया ए टू इन टाइम डेल्टा टी, ये दोनों सेम रहेंगे, डेल्टा टी नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। मास एंटरिंग थ्रू एरिया ए वन इन गिवन टाइम, तो ये है गिवन टाइम, उतना ही मास वापस छोड़ के भी जाएगा इन दैट सेम गिवन टाइम, जमा होने के लिए कहीं जगह नहीं है, पानी जितना आएगा उतना ही आगे छोड़ के जाएंगे। ध्यान रखना जितना वाटर एंटर करेगा मास, जितना मास ऑफ वाटर एंटर करेगा उतना ही मास बाहर जाएगा, वहां जमा होने के लिए टैंक नहीं है कि जमा होगा और फिर बचा हुआ जाएगा, नहीं ठीक है। तो ये इक्वेशन समझने के देखो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा, यहाँ एरिया ज्यादा है, अब यहाँ एरिया कम कर दिया नोजल में था वैसे या फिर हमने अंगूठा लगा के एरिया कम किया तो आप देखो वेलोसिटी बढ़ जाती है। वही हमको प्रूफ करना है यहाँ पे कि एरिया कम हो गया तो वेलोसिटी बढ़ गई। देखो पहले यानी कौन सा वेरिएशन हुआ एरिया और वेलोसिटी के बीच में, एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होगी, अगर एरिया कम करेंगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, मतलब कौन सा वेरिएशन इनवर्स, मतलब प्रोडक्ट कांस्टेंट, इनवर्स वेरिएशन में प्रोडक्ट कांस्टेंट, तो हम प्रोडक्ट कांस्टेंट बताने वाले हैं। एक बार इतना लॉजिक समझ लो, देखो ध्यान में आता है क्या बोल रहे हैं, ध्यान रखना जितना मास इन गिवन टाइम यहाँ एंटर करेगा इस एरिया में उतना ही मास इस एरिया में से वो लिक्विड का छोड़ के भी जाएगा इन द सेम टाइम, तो m1 is equals to m2। देखो एक बार ठीक है तो फॉर्मूला लिखेंगे ये वाला, तो ये हटा रहेगा, ये प्रूफ करना है हमको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में कि एरिया इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट, एरिया ज्यादा वेलोसिटी कम, एरिया कम वेलोसिटी ज्यादा, तो नोजल जब लगाते तो एरिया बहुत कम हो जाता इसीलिए वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती, कार वॉश बाइक वॉश वाले वही कॉन्सेप्ट वहां पे यूज करते हैं। तो ए टू बी हमको कॉन्स्टेंट प्रूफ करना है, तो ये है एरिया ए वन, ये है एरिया ए टू, ये फॉर्मूला हमने बताया था डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, सो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ठीक है, तो मास की जगह आएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये डेल्टा डी कैंसिल कर सकते बाद में करने के, इधर भी आएगा मास की जगह डेंसिटी तो वही है वाटर की वही है इनकॉम्प्रेसिबल है, तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ जगह कम है तो वो कॉम्प्रेस हो गया लिक्विड, नहीं पहले ही बोल रहा इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड, यहाँ कौन सा लिक्विड कंसिडर कर रहे हैं इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड ठीक है आगे चल रहे, रो इनटू
वॉल्यूम और डेल्टा टी वैसे रखेंगे, ये ब्रैकेट यहाँ रखते हैं डेल्टा टी, अब डेल्टा टी कैंसिल कर दो, अब रो वैसे रखेंगे डेंसिटी वो भी कैंसिल हो जाएगा, अब वॉल्यूम की जगह क्या लिखते हैं पहले वो देखो, यहाँ पे वेलोसिटी कम है तो पानी, अच्छा पहले लिख देता हूँ, समझो यहाँ एरिया ए वन है, वेलोसिटी है स्मॉल वी से डिनोट कर रहे वी वन, यहाँ एरिया ए टू स्मॉल वी से डिनोट कर रहे वेलोसिटी वी टू, तो यहाँ वेलोसिटी है वी वन, वॉल्यूम की जगह लिख रहे देखो वी वन और एरिया ए वन, कैसे आया वो बता था, डेल्टा टी को कैंसिल कर ही चुके हैं हम लोग, ये डेंसिटी रो वो भी कैंसिल हो जाएंगे, वी टू और ये ए टू, ठीक है, अब ध्यान दो ये रो कैंसिल, सो वेलोसिटी वी वन इंटू ए वन इज इक्वल टू वेलोसिटी वी टू इंटू ए टू, यानी वी इंटू ए इज कॉन्स्टेंट, तो वही प्रूफ हुआ वी इंटू ए इज कॉन्स्टेंट, वेलोसिटी ज्यादा तो एरिया कम है वहां पे, यहाँ एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कम है, बट प्रोडक्ट क्या रहेगा कॉन्स्टेंट, अब ये समझो ये कैसे लिखा वॉल्यूम की जगह, ये बता देता हूं, देखो यहां एरिया बड़ा है ये ऐसा, तो वेलोसिटी कम है समझो, इतना डिस्टेंस कवर हुआ इन टाइम डेल्टा टी, तो इसका वॉल्यूम आ गया समझो 10 मीटर क्यूब, ठीक है, अब यहां पे एरिया कम है मगर वेलोसिटी ज्यादा है तो वो ज्यादा दूर तक जा रहा है, तो इसका और इसका अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो सेम आएगा 10 मीटर, एरिया ज्यादा है पर थिकनेस कम हो गई, वेलोसिटी कम है तो वो लिक्विड यहां से यहां तक, अब यहां एरिया कम है मगर थिकनेस ज्यादा है तो वॉल्यूम सेम रहेगा, तो वॉल्यूम की जगह हमने ये फॉर्मूला लिखा है वेलोसिटी इंटू एरिया, वेलोसिटी इंटू, ठीक है, या फिर हम लोग चाहे तो पहले थिकनेस लिख सकते थे x, फिर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम भी लिख सकते थे वहां पे, फिर टाइम फिर से कैंसिल हो जाता था कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट ये याद रहा तो भी चलेगा, वॉल्यूम की जगह देख लो क्या लिखा है समझ में आया, तो यहां से जो पानी एंटर हो रहा वेलोसिटी कम है इतना ही डिस्टेंस कवर हुआ, ये निकालो वॉल्यूम इतना पानी एंटर हुआ, तो यहां से जब वो बाहर निकलेगा तो एरिया कम है बट वेलोसिटी ज्यादा है, तो अगर इस एंटरिंग का वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम निकाले तो वॉल्यूम सेम है, इसीलिए हमने यहां पे ऐसे लिखा है वॉल्यूम की जगह, तो ये इक्वली है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की जगह एक की जगह ये एक की जगह, तो यहां एरिया बड़ा था तो वेलोसिटी कम थी कम डिस्टेंस कवर हुआ, या एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा है ज्यादा डिस्टेंस कवर हुआ, तो ये देखो, सो दिस इज द इक्वेशन फॉर इक्वेशन ऑफ क्वांटिटेटिव, टेक्स्टबुक जो डायग्राम है वो नहीं बनाते हुए ये भी डायग्राम बनाएंगे तो भी चल जाएगा, वो टेक्स्टबुक वाले डायग्राम बनाएंगे या नोट्स वाले डायग्राम बनाएंगे तो भी चलेगा, मास एंटरिंग इट इज इक्वल्स टू मास लिमिट, मास की जगह डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यहां पे भी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम वही है, से वॉल्यूम की जगह यहां पे वेलोसिटी कम है बट एरिया ज्यादा है, यहां वेलोसिटी ज्यादा है बट एरिया कम, तो ये वॉल्यूम एंटरिंग इज इक्वल्स टू वॉल्यूम लिविंग सेम है, तो ये इक्वल आ गया v into a is constant, तो अभी मैं वॉल्यूम बोल रहा हूं तो इसको आप v into a को वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, वो बता देखो पहले वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, ये वॉल्यूम ही है, वॉल्यूम की जगह ही ये लिखा है, यानी वॉल्यूम जितना अंदर आएगा उतना ही वॉल्यूम बाहर जाएगा, वो हम प्रूफ किया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में, या a into v is constant भी बोल सकते हैं, वो बता दो पहले इतना देख लो एक बार नोट डाउन, तो अब देख ध्यान रखना, तो ये a into v मतलब वॉल्यूम है, जितना वॉल्यूम अंदर एंटर कर रहा उतना ही वॉल्यूम बाहर छोड़ के जा रहा, तो आप ये जो v into a है ये स्मॉल v है राउंड किया है वो, ठीक है, तो इट कैन बी रिटन एज चेंज इन वॉल्यूम या वॉल्यूम एंटरिंग पर यूनिट, तो वही बोल रहे इतना वॉल्यूम एंटर कर रहा उतना ही वॉल्यूम छोड़ के जा रहा, सिर्फ यहां वॉल्यूम में एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कम है, यहां वेलोसिटी ज्यादा है तो एरिया कम है बट वॉल्यूम सेम, तो इसको बोलते हैं वॉल्यूम फ्लक्स, a into v is constant, उसको आप dv upon dt, ये कैपिटल v मतलब वॉल्यूम है ध्यान रखना, ये स्मॉल v है, स्मॉल v को हमने राउंड किया है, ठीक है, ब्लू से कर देता लगे तो ये स्मॉल v, ये v2, ये v1, ये v1, ये v2 और ये v into a constant,
ये वो ही बोल रहे थे, वॉल्यूम की जगह ही ला रहा है, तो चेंज एंटरिंग वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम लीविंग पर यूनिट टाइम, तो डीवी अपॉन डीटी इट इज कॉल्ड वॉल्यूम फ्लक्स। देख रहे पर तो फ्लेजर प्लान के लिए याद रखना डीवी अपॉन डीटी ए इनटू वी इज कांस्टेंट और वो वॉल्यूम फ्लक्स है। वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड एंटरिंग पर यूनिट टाइम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड लीविंग पर यूनिट टाइम। मास की जगह वॉल्यूम भी बोल सकते थे हम लोग, पर स्टार्टिंग में मास बोला है तो वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, दिस इज वॉल्यूम फ्लक्स। अगर मास बोलना है तो ये वॉल्यूम है, तो हमारा फॉर्मूला है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, सो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो इसको अगर ऐसे मल्टीप्लाई करते रो से, ये डेंसिटी और ये वॉल्यूम, डीवी अपॉन डीटी इसको बोलेंगे मास अपॉन डीटी, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम मतलब मास, इसको बोलते हैं मास फ्लक्स। इसको वॉल्यूम बोलेंगे, वॉल्यूम की जगह डाला था वो डेंसिटी को कैंसिल हो गई थी। अगर फिर से डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दे तो मास प्लस जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था मास एंटरिंग इज इक्वल्स टू मास लीविंग द ट्यूब, वही यहां पे v * a इज कांस्टेंट। तो देखो फिर से ध्यान रखो, यहां एरिया ध्यान देना है, राइट से लिख देते, यहां एरिया ज्यादा है तो यहां वेलोसिटी कम होगी, यहां एरिया कम है तो यहां वेलोसिटी ज्यादा है। तो अगर यहां पे प्रोडक्ट निकालू a1 into b1 और यहां प्रोडक्ट निकालू a2 into b2 तो ये दोनों सेम आएंगे, वही लिखा है यहां पे प्रूफ किया। तो इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये वॉल्यूम है तो इसको वॉल्यूम फ्लक्स बोलेंगे, जो आया है आंसर b into a वेलोसिटी into एरिया। ये वॉल्यूम है, चेंज इन वॉल्यूम सॉरी वॉल्यूम एंटरिंग इज इक्वल टू वॉल्यूम लीविंग पर यूनिट टाइम, इसको बोलेंगे वॉल्यूम फ्लक्स। इसी को अगर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दे, ये जो कैंसिल किया था डेंसिटी इनटू वॉल्यूम मतलब मास, तो ये है मास फ्लक्स, तो उतना याद रखना। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक बचा है बर्नौलीस प्रिंसिपल। तो यहाँ वो आ गया कि हम जब पाइप में एरिया कम करते तो वेलोसिटी बढ़ जाती। इसके बाद लास्ट टॉपिक बचा है बर्नौलीस प्रिंसिपल और उसका इक्वेशन और उसके अप्लीकेशन। तो लास्ट वीडियो है उसमें हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाए, तो ये नोट डाउन कर लो। और ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डिराइव करने के लिए, तो इट विल बी आस्क फॉर 2 मार्क्स। ये फिल इन द ब्लैंक के लिए याद रखना, ये v into a जो कांस्टेंट आया उसको आप dv / dt यानी चेंज इन वॉल्यूम / टाइम लिख सकते हैं या बोलेंगे वॉल्यूम फ्लक्स। और इसको अगर डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते डेंसिटी * वॉल्यूम, डेंसिटी * वॉल्यूम मतलब मास, जिसकी जगह ये सब्स्टिट्यूशन था तो ये हो गया मास फ्लक्स। तो इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी नेक्स्ट वीक में भी काम आएगा हमारे, अच्छे से देख लेना। तो आज जो इक्वेशन लिए है वो दोनों इंपॉर्टेंट है, ये तो हमारे बाद में भी बर्नौलीस प्रिंसिपल के एप्लीकेशन में भी हमारे काम आने वाला है, एरिया कम वेलोसिटी ज्यादा। तो ये एक बार ध्यान से रखना इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और इसके पहले जो लिया हमने स्टोक्स लॉ वो भी इम्पोर्टेंट है, स्टेटमेंट भी आ सकता है, इक्वेशन तो लिखना ही है उसके साथ। अगर डायमेंशन से डिराइव करने को बोला तो टेक्स्ट बुक में बोला है यू कैन डिराइव, तो हमने डिराइव करके भी डायमेंशन के थ्रू बता दिया, तो ये अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ये वीडियो अच्छे से प्रॉपरली देख ली। अब इसके बाद सिर्फ लास्ट बचा है चैप्टर, फिर से बोला बेटा साथ साथ में जितना होता उतना करते जाओ, उसको अवॉइड मत करो, जितना वीडियो डाल रहे रोज आधे घंटे पौन घंटे एक घंटे का जो भी है वो कंटिन्यूसली तभी के तभी देखो, नोट्स दिया है नोट्स में से पढ़ लो। तो नोट्स आप लोगों के पास अवेलेबल है ना, नोट्स पहले ही दे दिया चैप्टर चालू किया था, शायद पहले वीडियो के बाद ही नोट्स मैंने डाल दिया था, तो नोट्स सामने रखो पढ़ लो, नोट कुछ करना है तो एक्स्ट्रा उसमें ही नोट कर लो, पीडीएफ भेज कर भी तो आप लोगों ने उसकी प्रिंट निकाली है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।